गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिमांशु और नमन। हम पढ़ रहे हैं ईमेल के अल्पसंख्यक गुणधर्म। पहला हमने पढ़ लिया था क्या, एक तो हमने पढ़ा क्वथनांश उन्नयन, और उससे पहले क्या पढ़ा था हमने क्वथनांश उन्नयन से पहले वाजदाब्य अवनमन पढ़ा था हमने, वाजदाब्य अपेक्षित अवनमन। आज हम पढ़ रहे हैं हिमांश में अवनमन। तो हिमांश में अवनमन को हम सबसे पहले नोट करते हैं डेल्टा टीएस। अब आगे समझो, सबसे पहले हम समझेंगे हिमांक क्या होता है। अब हिमांक को पढ़ने के आपको डेफिनेशन लिखिए, वह ताप जिस पर पदार्थ की द्रव्य अवस्था में ठोस अवस्था का वाष्पदाब समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। देखो हम जानते हैं हिमांक क्या होता है, आप सामान्य भाषा में समझते हो जमुना जिसको आप बोलते बर्फ जम रही तो वो क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है। किस टाइम कहते हैं, हमने पढ़ा था कि लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अगर वाटर में तो उसको हम बर्फ बना सकते हैं, बर्फ बनाते हैं तो किस टेम्परेचर के ऊपर ये क्या होता है कि जो लिक्विड अवस्था का जो वाष्पदाब है वो क्या होता है सॉलिड अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम क्या कहते हैं, द्रव्य का हिमांक कहते हैं। क्या कहोगे, हिमांक। आगे अब देखो हमें पता चल गया हिमांक क्या होता है। हमने क्या किया उसमें अवाष्पित विलेय मिलाया, किसमें, विलायक में, आपने विलायक लिया, उसमें क्या किया अवाष्पित विलेय मिलाया, तो आपके पास क्या बन रहा था, विलेय बन रहा था। अगर मैं बात करूं तो विलेय का वाष्पदाब क्या होगा, विलायक से विलायक की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसमें अवाष्पित विलेय मिलाओगे आप तो विलेय बनेगा, उसके अंदर क्या होगी, भाप कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प कम बनेगी तो उसका वाष्पदाब भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वाष्पदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि इसमें क्या होगा वाष्पदाब अधिक होगा, वाष्पदाब क्या होगा अधिक होगा। अब हमने कहा कि हिमांक तो क्या होता है कि दोनों अवस्थाओं में क्या होना चाहिए, ठोस और द्रव्य दो जो अवस्था होती है उसके अंदर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको हमने द्रव्य का हिमांक कहा। फिर हमने उसमें क्या किया अवाष्पित विलेय मिलाया, किसमें, विलायक के अंदर। तो हमने देखा कि विलायक का जो वाष्पदाब था वो अधिक था, किससे, विलेय के वाष्पदाब से। क्या देखिए आप, तो विलेय का वाष्पदाब कम हो जाएगा। आपको पता है कोई चीज को हम जब पिघलाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, या तो उसके ताप को कम करते हैं या फिर उसके ताप को कम करते हैं ताकि वो पिघले ना। जैसे इसका वाष्पदाब कम होगा तो ये विलायक की तुलना में ये क्या होगा, जल्दी जमने लगेगा, कौन, विलेय, क्योंकि इसका वाष्पदाब कम हो गया तो ये आसानी से क्या जम जाएगा, बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज बताई थी आगे देखिए कैसे निकाला जाए, डेल्टा टी निकाला है हमें, क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है। वहां पे हमने क्या निकाला था, डेल्टा टीपी निकाला था, क्योंकि वहां किसकी बात कर रहे थे, पथनांक की बात कर रहे थे, नाम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, एफ किया हमने उसके लिए, क्योंकि हिमांक को इसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। आगे इन्होंने कहा डेल्टा टी एफ जो होता है आपके, डेल्टा टी एफ ये क्या है, हिमांक में उन्होंने, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। अब आप जानते हो जो विलायक का वाष्पदाब था वो क्या था, ज्यादा था किसकी तुलना में, विलेय के वाष्पदाब में। तो हमने लिखा टी एफ नॉट, ये क्या है, विलायक का वाष्पदाब, या फिर मैं कह दूं ये क्या है, विलायक का हिमांक, हिमांक भी बोल सकता है। ये ज्यादा होता है किससे, टी एफ से, ये किसका हो जाएगा, विलेय का। तो हम इसमें जो ये जो कमी आएगी विलायक में और विलेय के अंदर जो कमी आएगी उसको हमने क्या कहा है, हिमांक में और नमन। आगे देखो एक ग्राफ से, तो ये हमारे पास क्या है, विलायक का हिमांक है, ठीक है,
हिमांक के बारे में पढ़ रहे थे, हिमांक उद्यान, ये बीलेन का हिमांक हो जाएगा। अब एक ग्राफ से समझो, आपने लिया यहां पर वेपर प्रेशर या वाष्प दाब और यहां आपने क्या लिया है ताप, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई भी विलायक है, ठीक है, वो कैसा है, द्रव्य अवस्था में है। मान लीजिए मैं ये मान लेता हूं कि ठोस अवस्था में है, ठीक है। आप अगर जानते हो तो ठोस अवस्था में जो वाष्प दाब होता है वो कैसा होगा, बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें वाष्प क्या होती है, बहुत कम मात्रा में बन पाती है ठोस में। फिर जैसे जैसे वो लिक्विड में होता है, मान लीजिए बीलिन को हम क्या करते हैं, हिमांक में जमाते हैं, जमाएंगे तो किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, द्रव्य को, ठोस में। तो मान लीजिए इससे ज्यादा ही होगा, ये मान लीजिए ठोस का था तो इससे द्रव्य का तो क्या होगा, वाष्प ज्यादा ही होगा। तो वो क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं वाष्प, वो इसको यहां से बिंदु भी काटेगा, ये यहां पर क्या है आपका द्रव्य अवस्था है, ये जो पॉइंट होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है, जहां पे द्रव्य से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिमांक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। यानी मैं यहाँ पे कह दूं कि यहाँ पे इसको बोलते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं आप, ठोसीकरण बोलते हैं, उसको संघनन बोलते हैं, सॉलिडिफाइड को क्या बोलते हैं, आप ये समझो सॉलिडिफाइड का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड था आपके पास क्या था विलायक, ये यहाँ पे कैसे फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म, और यहाँ पे जो आपका सॉल्वेंट है विलायक का कैसा द्रव्य अवस्था होता है, ये पॉइंट जहां वो पॉइंट है जहां पर क्या बन जाता है, द्रव्य अवस्था से विलायक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में। फिर आप क्या करते थे, अवाष्पित विलयन मिलाया था आपको, जैसे आप अवाष्पित विलयन मिलाते तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, भाई विलायक के वाष्प दाब से कमी हो जाएगा ना, तो मैं मान लेता हूँ वो यहां से कहीं होगा, ठीक है। फिर उसको मैं धीरे धीरे क्या करता हूँ, उसको मुझे क्या करना है, ठोस में लाना है, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उसका ताप कम करके जाऊंगा, तापमान अगर मैं ज्यादा रखूंगा तो वाष्प बन ही जाएगी विलयन में, मुझे उसको ठंडा करना है क्योंकि हिमांक कर रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे उसका तापमान कम करूंगा। जैसे जैसे मैंने तापमान कम किया, मान लीजिए वो यहां आकर ये किसका है, विलयन का, और ये पॉइंट भी क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। अब देखो आपके पास दो पॉइंट आ गए, अब ये तो किसका था, विलायक का था, तो विलायक को हमने किससे डिनोट किया था, टी एफ नॉट से, विलयन के हिमांक को हमने किससे डिनोट किया था, टी एफ से। वहां पे क्या किया था, विनोट टीबी किया था पतला को नैन में, फिर हमने कहा था कि बीच का डिफरेंस टीबी टीबी होता था डेल्टा टीबी, तो ये कितना जगह डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ हो गया ना, तो यहाँ पढ़ रहे हैं हिमांक में अवनमन, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हिमांक में अवनमन, और हमने पढ़ा कि डेल्टा टी एफ क्या था, कि टी एफ नॉट माइनस टी एफ। फिर आप क्या कहोगे, इसी कंसंट्रेशन समानुपाती करोगे प्रेशर के, फिर प्रेशर को आप बताओगे मोल भिन्न क्या होता है, समानुपाती होता है, जैसे आपने पतनांक में किया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आपके डेल्टा टी एफ होता है वो क्या होगा, के एफ समानुपाती है, भाई उसमें क्या था, यहाँ पे के भी था, जब हम पतनांक की बात कर रहे थे, अब हिमान की बात करें तो क्या कर दिया, के एफ कर दिया, वो यहाँ के एफ है, तो ये रिलेशन आ गया, डायरेक्ट लिख दिया है, आप कंफ्यूज नहीं हो ना, वो वैसे ही था जैसे उसमें हुआ था पतनांक में उन्नयन में। अब हम जानते हैं मोलिनिटी क्या होती है, मोलिनिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय के मोल, विलय के मोल क्या थे, बी था, बी हमारा विलय था, तो डब्ल्यू बी एम बी, फिर इनटू नीचे क्या था, डब्ल्यू ए इनटू हजार, आपने क्या लिखा था, विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, ये लिखते हो आप मोलिनिटी को, आपने लिख दिया ये मोलिनिटी का मान, काम करोगे इक्वेशन वन में, तो देखिए आपने इस इक्वेशन वन में क्या करना है, पुट करना है, तो आपने किया इसको क्या, के एफ एम डी सॉरी डब्ल्यू बी एम डी इन टू थाउजेंड अपॉन इन टू डब्ल्यू ए। अब ये आपके पास क्या दिया गया, विलय का भार बटे जो आपके विलय का मोलर द्रव्यमान, ये क्या आपके पास विलायक का दिया गया भार, ठीक है, ये आपको पीछे बता चुका हूं, लिख लेना आपसे। फिर आपको यहां से एम डी निकाल दो, आप एम डी को दे जाओगे तो टी एफ किधर चला जाएगा, इसके नीचे, तो क्या आ गया, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इसके बराबर आ जाएगा डब्ल्यू बी
डब्ल्यू एट इंटू थाउजेंड। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, विलय का मोलर द्रव्यमान याद कर सकते हो। वहां भी आपने यही निकाला था, पर यहाँ के लिए क्या था, केपी था, केएफ के क्या था, केपी था। सेम प्रोसेस है, किसी भी प्रकार का आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया किस प्रकार होता है। फिर आपको मैंने बताया था वाल्टाफ ने समीकरण देखिए, आपको वाल्टाफ ने आपको मोलर एंथैल्पी के साथ वास्तव की गुप्त ऊष्मा के साथ क्या दिया था, के साथ संबंध दिया था। तो यहाँ पर के एफ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ था हमारे पास एम ए आर, वहां में टीपी का स्क्वायर क्या था, यहाँ किसने कर दी थी टीएफ का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा डेल्टा एच वाष्प, वाष्प की गुप्त ऊष्मा इंटू थाउजेंड। सेम प्रोसेस है, जो जहां आपने टीपी लिखा था वहां पे आपने क्या कर दिया है टीएफ कर दिया है, और कुछ चेंजमेंट नहीं किया है। ये संबंध आपको वाल्टाफ ने किया था, इसके बाद डेल्टा एच आपका क्या था वाष्प की गुप्त ऊष्मा, वास्तव की गुप्त ऊष्मा जिसको हम किससे नोट कर रहे हैं एंथैल्पी से। और यहां पर टीएफ क्या है आपके पास, टीएफ किसके लिए दिया था आपने, विलियम के लिए लिया था, एक क्या आ जाएगा विलियम का हिमांक, एक था आपके पास। तो आगे देखो अब देखो इसको आपने क्या कहा था टीएफ को, मोलर हिमांक और नमन स्त्रम, वहां पे क्या कहा था आपने पत्रांक और नमन स्त्रम, यहां क्या कह दोगे मोलर हिमांक और नमन स्त्रम, क्या कह दोगे इसको मोलर हिमांक और नमन स्त्रम, और नमन स्त्रम। तो देखो हमने इस प्रकार क्या कर लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको हिमांक में और नमन क्या कर लेते हैं, हिमांक में अवनमन इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल लेते हैं, विलेय का मोलर भार निकाल लेते हैं। यदि किसी भी विलेय के अंदर यदि हिमांक में अवनमन होता है और आपसे पूछ लिया जाए उसका विलेय का अनुभार कितना होगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जाम्पल्स देखिए, देखो 25.6 ग्राम सल्फर एड करते हैं 1000 ग्राम, किसमें 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोलते हैं, 1000 ग्राम नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बता देता हूं क्या होती है, इसमें दो बेंजीन पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन, ठीक है। 25.6 ग्राम में आपने क्या किया है, आपने उसको बोला किसमें 1000 ग्राम नेफ्थलीन में, जैसे आप उसको बोलते हो तो आपके पास जो डेल्टा टीएफ आता है हिमांक में अवलंबन जो है वो आपको दिए गए प्रश्न में 0.68 कैलोरी, 0.68 कैलोरी। जैसे आपने इसको बोला तो हिमांक में अवलंबन कितना आ गया 0.68 कैलोरी। उन्होंने कहा एक्चुअली टीएफ का जो मान होता है वो कितना होता है 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा है विलेय का अनुभार पूछा है या मोलर द्रव्यमान पूछा है आपसे, ये आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके पास गिवन है, एम बी निकालना है आपको, देखिए एम बी के एफ कितना दे रखा है आपको 6.8 अपॉन डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है आपको, डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 0.68 इनटू डब्ल्यू पी कितना है आपके पास, डब्ल्यू पी क्या है विलेय का दिया गया भार। अब मैंने कहा था इससे पता कैसे चलेगा विलेय कौन विलायक कौन, जिसकी कम मात्रा वो क्या है विलेय, किसकी कम मात्रा है इसकी है 25.6 ग्राम, 1000 ग्राम तो क्या आ जाएगा विलेय का भार 25.6 अपॉन नीचे क्या है हमारे पास विलायक का दिया गया भार, तो विलायक का कितना दिया गया 1000 ग्राम, तो हमने लिख दिया इंटू 1000 और ये क्या आ जाएगा 1000। हम देखते हैं ये आपस में कट जाएंगे, इसको अगर मैं काटू तो नीचे क्या करेगा 10 लिख दूंगा, इसको काटू तो ऊपर क्या लिख दूंगा 100 लिख दूंगा, पॉइंट हटा लिया मेरे को, पॉइंट हटा लिया कट कर दिया इनको, तो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ 10 बचा, यहाँ पे 25.6 बचा, तो आंसर कितना आ गया 256। जीरो और लगा दो, पॉइंट पहले लगा दो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो विलेय का मोलर द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपने क्या पढ़ लिए
तीन आपने अनुसंख्यक गुणधर्म की प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चौथी, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखेंगे इसमें। ये जो 256 ग्राम जो आपके पास आया है, ये अनुभाग किसका है? सल्फर का। हम जानते हैं सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है, SX होता है। टोटल अनुभाग कितना है आपके पास? 256 है। एक्स, एक के लिए सल्फर का कितना होता है? 32। एक के लिए 32 होता है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा 256 आ जाएगा। यहां मैं एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा? 256/32। अब आप कट कर लीजिए इसको, आप 8 से कर लीजिए, 8 8 32, 8 3 24 और 8 8 32 और 8 3 24, 8 3 24, 116 आ गया, 8 2 16 32 आ गया। और फिर आपने 4 से वापस कट किया तो कितना आ गया? 8 1। यानी आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? S8। तो आपने क्या बता दिया? सल्फर का फॉर्मूला भी बता सकते हो। इसे अनुभाग पूछा तो आपने बता दिया सल्फर का टोटल अनुभाग कितना है, 256 है। अब आप बता सकते हो सल्फर के कितने एटम है उसमें? 8 एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन की या विस्तरण की। चौथी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, प्रकाशन लाभ की तरफ। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? विस्तरण। देखो विस्तरण, देखो विस्तरण क्या होता है? उच्च सांद्रता से, उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ, निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ गमन। मैं कह रही थी किसी अणु, कोई भी विघटन है आपके पास, आपको क्या दे दिया? विघटन दे दिया। उसमें जो अणु होंगे वो क्या करें? उस सांद्रता क्षेत्र से किधर जाए? निम्न सांद्रता क्षेत्र की तरफ जाए। उसको आप क्या कहोगे? विस्तरण। जैसे आप सामान्य देखते, जब आप पानी आपके हाथ से गिर जाता है तो पानी किधर जाता है? जिधर पानी नहीं होता उधर जाता है। यानी जिधर उच्च सांद्रता है वो किधर जा रहा है? उससे निम्न सांद्रता के क्षेत्र की तरफ जा रहा है। उसको हम क्या कहते हैं? विस्तरण बोलते हैं। आगे देखिए प्रासरण। प्रासरण देखो, ये सबसे पहले मैंने बताया था जीन मोरेट ने, साइंटिस्ट जीन मोरेट, उन्होंने 1748 में हमें प्राश्न के बारे में समझाया था। देखो प्राश्न क्या होता है समझिए, ये आपके बीच में होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्यों बताता हूं मैं, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? यहां आपने ले लिया विलायक शुद्ध। क्या ले लिया? शुद्ध विलायक। मैं इसको नोट कर देता हूं ए से। ठीक है, ये आप ए को मान रहे हैं विलायक। यहां हमने ले लिया विलियन। अब इन्होंने क्या कहा? यदि विलायक, विलायक उच्च सांद्रता से, यानी विलायक की उच्च सांद्रता से विलायक के निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है? गमन होता है। किसका? विलायक का। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। या फिर मैं लिख देता हूं निम्न सांद्रता वाले विलयन से, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ, उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ, विलयन की तरफ विलायक के, विलायक के, विलायक के अणुओं का गमन, का गमन अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं? प्राश्न कहते हैं। देखो हम लेते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, तो समझो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ये जो झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं।
ठीक है। हम जानते हैं जो विलेय बनता है वो हमारा किससे बनता है, विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है हमारा विलेय, ठीक है। तो हम देखते हैं जो विलायक का जो आकार होता है ना वो बहुत छोटा होता है और विलेय का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जिसका उदाहरण आप समझो, जब विलेय को आपने किसी साइन ड्रॉप को पानी में डाला पूरे में फैल जाएगा। आपने विलेय डाली, विलेय का आकार क्या कर दिया उसने, बहुत बड़ा फैल गया। जबकि मैं विलायक की बात करूं तो छोटे होते हैं, तो ये जो इसके अंदर जो झिल्ली होती है, आपने अगर झिल्ली देखना चाहो जैसे आपने प्याज के छिलके के अंदर पतली पतली परत देखी होगी, वो झिल्ली होती है। उसमें मान लो यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं उसके अंदर। उस छिद्र में से केवल विलायक के अणु क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। तो यानी विलायक के अणु किधर गमन कर जाते हैं, विलयन की तरफ गमन कर जाते हैं। या फिर मैं कहूँ कुछ निम्न सांद्रता वाले विलयन से उस सांद्रता वाले विलयन की तरफ। अब सांद्रता कैसे समझोगे, ये शुद्ध विलायक है तो यहाँ पर तनु हो गया, तो यहाँ पर सांद्रता कैसी है, कम है। जबकि मैं विलयन की बात करूँ, उसमें विलय मिला दिया थोड़ा गाढ़ा बनेगा, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने यही कहा निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ किसका गमन कर रहे हैं, विलायक के अणुओं का गमन। किसका, विलायक के अणुओं का गमन, वो भी किसके द्वारा, अर्धपारगमन झिल्ली के द्वारा। यदि गमन होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। और अर्धपारगमन झिल्ली कौन कौन सी होती है, देखो एक तो आता है आपके जंतु ब्लैडर का, जंतु का ब्लैडर समझते हो, जिससे आपने कार ब्लैडर वगैरह की क्लास से वगैरह आपने पढ़ा था। ये होता है कि क्या करता है, केवल विलायक के अणुओं को बाहर जाने देता है। दूसरा आता है आपके पार्चमेंट पेपर, ये भी एक अर्धपारगमन झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। और तीसरा अगर केमिकली में बात करो तो क्या आता है आपके फिनॉल प्लस पोटेशियम पेरोक्साइड, फिनॉल फिनॉल तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये जो है ये सभी आपकी कैसी है, अर्धपारगमन झिल्ली। देखो अगर केमिकली हम बनाए लैब के अंदर से फिनॉल से या पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनाएंगे, ये हमारे पार्चमेंट पेपर और जंतु ब्लैडर भी हमारे मिलते हैं नेचुरली, ये सभी कैसे व्यवहार करते हैं, अर्धपारगमन झिल्ली के व्यवहार करते हैं। अर्धपारगमन झिल्ली क्या होती है, कुछ नहीं होता है, पतली सी परत होती है, उसके अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, जो किसको जाने देती है, क्यों विलायक को ही जाने देती है अपने अंदर से, किसको नहीं जाने देती, विलायक को जाने से रोकती, क्यों वो छोटे छिद्र में विलय नहीं जा पाती, क्योंकि उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। विलायक निकल जाते हैं क्योंकि उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है। अब देखेंगे तो एक डेफिनेशन थी, देखो पहले आई निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता विलय में जा रही, जबकि विसरण की बात करें तो उसमें उससे किधर जा रहे थे, निम्न में जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एक डेफिनेशन और आ जाती है, उसमें ढूंढ नहीं जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है उच्च सांद्रता विलायक, उच्च सांद्रता विलायक से निम्न सांद्रता की तरफ, अब आप कहोगे सर ये तो वैसे ही होती, जैसे विसरण था उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन भी अर्धपारगमन झिल्ली द्वारा क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। ध्यान रखना यहां विलायक की बात हो रही है, विलायक यहां कम था, ये सब ज्यादा था, यहां क्या हो जाता है, जैसे विलय विलायक में कम हो जाएगा ना विलायक, तो गमन तो यही हो रहा था, एक इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, यानी उच्च सांद्रता वाले विलायक क्षेत्र से इधर जा रहा है, निम्न सांद्रता वाले विलायक क्षेत्र की तरफ जा रहा है, ये डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, निम्न से उच्च कब जाता है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ जाता है। तो ये दो डेफिनेशन होती है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखना, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक के अणुओं का गमन किसके द्वारा होता है, अर्धपारगमन झिल्ली के होते हुए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। और कौन सी होती है, पार्चमेंट पेपर, जंतु ब्लैडर और फिनॉल प्लस पोटेशियम पेरोसाइनाइड, ये आपको क्या होती है, अर्धपारगमन झिल्लियां होती है। तो देख लो आपने डिफ्यूजन पढ़ लिया, परासरण पढ़ लिया, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, बट इसमें क्या होती है, अर्धपारगमन झिल्ली का भी उपयोग होता है, ये ध्यान रखना है परासरण में। इसके बाद में हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, परासरण ताप, वो इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा क्या है, परासरण पढ़ लिया, विसरण पढ़ लिया है हमने, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, किस प्रकार परासरण ताप क्रिएट होता है, किसको हम परासरण ताप कहेंगे, ये चीज करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, किस प्रकार वो गैस समीकरण पे डिनोट करती है, वो सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, फिर उसके परासरण के हम नियम भी पढ़ेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।